किसी गवर्नमेंट में जब तक छोटी सी बात आप बताना चाहूंगा बहुत सुना मानो ढाई साल तीन साल साल सरकार बीत गई थी चल चुकी थी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आता रहा जाता रहा मिलता रहा मैं भी स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे भी कोई सम्मान मिल गया और हर आदमी सम्मान का भूखा होता है ना होता एक दिन मैं खड़ा था कहते कहते मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे नेता जी आए थे कार्यालय बैठे हुए थे जाड़े का समय हमारे कार्यालय में जाने का समय था विधायक एमपी साहब मैं खड़ा था ऐसे एक ढाई तीन साल से सुना था बोलने को कुछ मिला नहीं था नेताजी की नजर पड़ी बार मैंने क्यों कहा दिया खुद को अगर मारा जिसने इस लाइन पर रुका उठ करके चलने लगे तो मैंने ऐसे हाथ उठाया ऐसे अरे हाथ में भेजे जो था लेकिन मैं नेताजी की तरफ ऐसे हाथ उठाया जब ऐसे हाथ उठाया तो उन्होंने इशारा किया सिक्योरिटी वालों से कहा उसको भैया बताओ मैं गया भाव थोड़ा बना ला करके गाड़ी के पास खड़ा करवा दिया अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी में नेताजी बैठा दिया और लेकर ही चले गए कोठी कुछ मिठाई वगैरह लाए खिलाए मंगवाए खिलाए बताओ आज बताओ क्या चाहता भगवान के सामने भक्त अगर एक भगवान भक्त से पूछे तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए तो हमारा जाना वही इसी की हमारी बताओ आप तुम्हें क्या चाहिए बताओ बोल बोल तो हमें पसीना हो गया कहां पर मैं दो मिनट तक चुप रहा था हाँ बताओ बोलो 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 दौड़ रहे हो बेटी हम देखते हैं यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट चले जाते हो क्या चाहिए वो बताओ हम कहा नेताजी हम तो इससे शो करते हैं तो काम करते हैं हम आप याद बताते हो तुम उनका तो हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा दीजिए हाय हाय करते हुए बिहार लाने के लिए जाओ वो ऐसे ठोंक के हमसे कहा जा जा तो समझो अल्लाह हो सुबह जब 8 बजा मैं सो सके मीरा भाई के हाउस पहुंचा तो डायरेक्ट 9:10 पर तीन लोग आकर मिठाई लेकर खड़े थे विजय लाल कौन है अमिताभ भाई हमें गंजी या लुंगे कही के बरसों से तैयारी कर कहा विजय लाल जी कौन है अंका जी मैं कहा संगीत नाटक अकेडमी के मिनिस्टर राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार नजर आ दिए गए हैं इसलिए इस लाइन को कभी